जिसे फिरका परस्ती ख़त्म करने के लिए डॉक्टर खालिद अनवर आए हुए थे, मैं उनसे काफ़ी मुलाकात करने के लिए जो मैं बेताब था। मुलाकात हुई आपकी? जी मुलाकात हुई है। आप देख रहे हैं पक्की खबर, सच है तो खबर है। ऐसे में एक सच आज बंधौली देवरा बंधौली पंचायत की सरजमीन से दिखाने जा रहा हूँ। आप जानते ही होंगे दरभंगा जिला का चर्चित गांव जाले, और जाले प्रखंड का देवरा बंधौली पंचायत हमारे साथ एक ऐसे दिव्यांग व्यक्ति हैं जो आज कितना दूर से चल के रहा है, और इनको यहाँ इतनी कठिनाइयों के साथ आने के बाद क्या मकसद है, क्या लगा इस प्रोग्राम में आने के बाद। कारवाने फिक्र अमल प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया था जाले 1/1 के जिला परिषद जी के मुख्य द्वार के सामने उनके दरवाजे पे, और सामाजिक और काफ़ी चर्चित नाम मोहम्मद जुलकरनैन साहब का एरिया और उनके ऑर्गेनाइजेशन में, उनके ऑर्गेनाइज करते हुए में ये प्रोग्राम रखा गया था। कैसा लगा इनको आकर यहाँ पर, और ये इतनी कठिनाइयों को उठाकर इतनी समस्याओं का सामना करते हुए आज यहाँ किस मकसद से आए, ये जानना चाहेंगे। मैं सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले मैं मोहम्मद गुलजार हूँ, इस क्षेत्र के हूँ, लेकिन मैं बहुत दूर से आया हूँ इस प्रोग्राम में पहुँचा था। लगभग मैं 1.5 घंटे इंतज़ार किए इस प्रोग्राम में आए। तो क्या जो मकसद था आपको यहाँ आने का? ये मकसद ये था कि ये देश का जो ये चल रहा था कि ये फिरका परस्ती था जिसे फिरका परस्ती ख़त्म करने के लिए डॉक्टर खालिद अनवर आए हुए थे, मैं उनसे काफ़ी मुलाकात करने के लिए जो मैं बेताब था। मुलाकात हुई आपकी? जी मुलाकात हुई है, लेकिन बात नहीं हो पाई है, लेकिन उनकी बातों को हमने सुना और बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी बात कही। दिव्यांग व्यक्ति हैं, इतनी कठिनाइयों का सामना करने के बाद, मैं दिखाना चाहूँगा स्टेप्स है यहाँ पर बने हुए, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, बावजूद इसके ये ऊपर नजर आ रहे थे, कितनी मुशक्कत के साथ ये ऊपर पहुँचे होंगे, और क्या इनका ये लगाव है, क्या आप राजनीति फील्ड में आना चाहते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहते हैं? क्या मैं सोचता हूँ कि एक अगर किसी भी स्टेट पे या कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है तो मैं उसमें इसलिए जाता हूँ कि कुछ ना कुछ उसमें एक सीख मिलती है कि किस तरीके से अगर बात हमें करनी हो। आज तो क्या सीखने को मिला? आज का जो एक लाइन यहाँ पर, दो लाइन लिखा हुआ था बैनर पे कि गांव-गांव में मुलाकात और मौजूदा हालात पे बात, तो क्या ये सच था, सही में मुलाकात और बात हुई है? जी बिल्कुल सच बात था, क्योंकि ये हमें पता चल गया कि एक दूसरे से भाईचारे के साथ पेश आना चाहिए। यूनिटी इज बेस्ट पॉलिसी, कहीं ना कहीं एकता में बल है, यही चीजों पर चर्चा किया गया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पक्की खबर से मैं चीफ रिपोर्टर फैजी गुलाम मुर्तजा कैमरा पर्सन के साथ। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि हमारा सभी सही खबर सही समय पर आप तक पहुंच सके सबसे पहले। आपको रख सके हम सबसे अपडेट।